अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज अयोध्या सजी हुई है। बीती रात का ही नजारा यह बताने के लिए काफी था कि सुबह का दृश्य और ज्यादा अलौकिक व अद्वितीय होगा, और हुआ भी। अयोध्या के साथ ही देश के तमाम शहरों को दीपकों से जगमग करने की तैयारी जोरों पर है। हाँ, कोरोना प्रोटोकॉल आड़े आज भी मंदिरों के आ गया। करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद आज संपन्न हुए राम जन्मभूमि पूजन के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था हिलोरे मार रही है। लेकिन अयोध्या के अलावा आज प्रायः सभी जगह मंदिरों के दरवाजों पर ताले पड़े हैं। तमाम प्रबुद्ध लोगों ने इस पर यह कहते हुए नाराजगी जताई है कि यह कैसी व्यवस्था है, जहां शराब के ठेकों को कोरोना प्रोटोकॉल से मुक्त रखा गया है, वहीं मंदिरों से कोरोना फैलने का डर है। आखिर क्यों? यह कैसा डर है जो ठेकों पर नहीं फैलता लेकिन धार्मिक स्थलों पर तुरंत फैल सकता है। आइए देखते हैं शहर में आज खुले शराब के ठेकों व बंद पड़े मंदिरों को। इससे पहले बीते दिवस सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई। एडीजी राजीव सब्बरवाल, एसएसपी अजय सहनी व डीएम अनिल ढींगरा ने मेरठ में शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। देखते हैं क्या बता रहे हैं एडीजी राजीव सब्बरवाल। देखिए, समय समय पर शासन के निर्देशों के अनुरूप शहर के मुख्य बाजारों, मार्गों, सभी स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की जाती है। जनपद मेरठ में और जोन के अन्य जनपदों में यह की जा रही है। जहाँ तक बात है कल के प्रोग्राम को लेके, तो इस संबंध में सभी कम्युनिटीज़ के साथ हमारे डीएमएसपी और सीओ लेवल तक सभी लोग संपर्क में हैं, सबसे बात की जा रही है, और एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो लिया जा रहा है। और जहाँ तक ड्रोन की बात है, ड्रोन का समय तो आपने देखा होगा, समय समय पर लॉकडाउन में भी और अन्य व्यवस्थाओं में हम लोग लेते रहे हैं, जिससे एक हमें काफ़ी बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल तो हमेशा करते रहें और आगे की व्यवस्थाओं में भी करेंगे। हम लोग ने अपने जो हमारी आंतरिक एक सुरक्षा है और उसको देखते हुए हमें अपना पॉइंट चिन्हित किए हुए, हमने बीच चिन्हित किए, उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट भी हो रहा है। लेकिन बेसिकली ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो अभी से लिए जा रहे हैं वे काफ़ी कारगर होंगे और जनता का इसमें हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। देखिए, सभी व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट साल से, सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग हर साइबर सेल द्वारा की जा रही है, जोन स्तर पर भी, रेंज स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा। देखिए, पूरे जनपद मेरठ में जो है हाई अलर्ट है, सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस तैनात है। हम लोगों ने सभी धर्मगुरुओं से भी बात कर लिया है, सभी से सहयोग की अपील भी की है, सभी लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है। हम लोगों की बस यही है कि सभी जगह जो है हम लोगों ने सब लोगों से बात कर लिया है, थाने लेवल से भी, ड्रोन के माध्यम से भी। हम लोग असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेंगे, अगर कोई भी जो है शांति व्यवस्था में खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यही मैसेज हमने सबको दिया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सब जगह जो है शांति व्यवस्था बनाने में लोगों का सहयोग हमें मिलेगा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।